इंसान का एक इतिहास होता है, एक बीता हुआ वक्त होता है उनका इतिहास। आइए 10 मिनट के लिए लौट चलते हैं एक बीते हुए समय में। कैसे बताऊं उसे जो भी मुझे कहना है। ओ नहीं, मेरी गलती कर दी। उफ, क्या मुसीबत है, फिर से शुरू करना पड़ेगा। इनका नाम है मित्सी और इनकी उम्र 23 साल है और इस वक्त ये स्वेटर बुन रही हैं। पता नहीं ये मुझसे दोस्ती करेंगे भी या नहीं। जुखाम हो गया मुझे तो। कितने बदबू है, लगता है इसे अभी और बहुत देर तक रगड़ के धोना पड़ेगा। ये हैं हैरी नोहारा, इनकी उम्र है 29 साल, इस वक्त ये घर का काम कर रहे हैं। सुनो मित्सी, मैं बोल रहा हूँ हिरोशी, असल में मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हा? लेकिन मैं इस तरह फोन पर नहीं बता पाऊंगा, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। कल 10 बजे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा स्टेशन पर, सिल्वर बेल के पास। बाय। आपके लिए एक मैसेज है। 15 अप्रैल 7:23 मैं क्या पहन के जाऊँ। इनकी लापरवाह आदतें आज भी नहीं बदली हैं। मौसम कितना अच्छा है ना। कितनी अच्छी जगह पर ले आए हैं, उनकी सोच कितनी अच्छी है। हाँ, क्या हुआ? हाँ नहीं, कुछ भी तो नहीं। हाँ कुछ नहीं, चलो फिर बैठते हैं। ठीक है। एक बात बताओगी मित्सी? बोलो। हाँ, ये बच्चे कहाँ से आ गए? इतनी जरूरी बात करनी थी और अब ये आ गए, क्या कर रहे हैं ये लोग? अपना डांस कर रहे हैं मित्सी। अच्छा तुम्हें छोटे बच्चे अच्छे लगते हैं? हाँ लगते तो है, पर अभी उनका यहाँ आना ठीक नहीं लग रहा, कुछ जरूरी बातें भी तो करनी थी। मुझे बच्चे बहुत पसंद है, उनके साथ खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ मुझे भी। मुझे सच में ऐसा लगता है कि तुम एक बहुत अच्छी इंसान हो मित्सी। तुमने तो मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी, पर एक बात तो है, बच्चों को खेलते हुए देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। सच में? मैं तो बच्चों के साथ सारा दिन खेल सकती हूँ और मस्ती कर सकती हूँ। क्या बात है, मुझे भी ऐसा ही इंसान बनना है मित्सी। मेरा मन करता है मैं छुट्टियों के दिनों में छोटे बच्चों के साथ खेलूं, घूमने जाऊं, बहुत मस्ती करूं। हमारी सोच कितनी मिलती है। ये दोनों कितने नासमझ थे। क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं, बताइए ना। हाँ? आप दोनों कहाँ गए थे? हम दोनों पार्क में गए थे। हमें तो यकीन नहीं होता। माफ करना मित्सी। आप इन्हें अपनी स्टूडेंट बनाएंगे? स्टूडेंट नहीं, दोस्त कहना चाहिए। सुनिए सुनिए, मैंने ठीक कहा है ना? क्यों बताइए, ऐसा ही है ना? हाँ हाँ, जवाब दीजिए ना। अब मैं मिच्ची से बात नहीं कर पाऊंगा शायद। ना समझ बच्चे, मैं उन्हें कभी माफ नहीं करने वाली। मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। हाँ ओकाई, वो बच्चे तो बहुत ही अजीब हरकतें कर रहे थे। पर तुम्हारे लिए तो अच्छा ही हुआ ना। अच्छा बताओ, क्या तुम बात करने के लिए तैयार थी? हाँ सही कह रहे हो, पर इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है। मैं जल्दबाजी नहीं कर रही हूँ। अभी भी मित्सी का फोन बिजी जा रहा है। पर फोन पर बात करना शायद ठीक नहीं, लेकिन बात करना ज्यादा जरूरी है, चाहे फोन ही क्यों ना करना पड़े। चलो अभी रहने देता हूँ मैं। चलो मित्सी, ऐसा करें कि हम दोनों कहीं बाहर घूमने चलें, इससे तुम्हारा मूड भी बदल जाएगा। ठीक है, हाँ ये अच्छा रहेगा। क्या तुम कल छुट्टी ले सकती हो? माफ कीजिएगा, क्या मैं आपके ऑफिस की मिस मित्सी से बात कर सकता हूँ? लेकिन वो तो आज ऑफिस आई ही नहीं।
ऐसा लगता है वो आज कहीं घूमने गई हैं। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं अभी बाहर गई हूँ, कृपया करके बीत के बाद अपना संदेश छोड़ें। 3 दिनों से बात नहीं हो पाई है उससे। हाँ मित्सी। माफ करना हैरी, मैं दुकान जा रही थी, अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। अब मैं आगे नहीं जा पाऊंगी, क्या मैं यहीं पर आराम कर लूं? अरे कितनी गंदी बदबू आ रही है। अरे अरे, मैं तो आपकी दुकान पर बस एक ही बार गया था और आप मेरे घर पहुंच गई हैं। एक तो मेरी तबीयत खराब है और तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो। और फिर वो हिरोशी के घर के अंदर चली गई। तुम्हारा घर पास था इसलिए मैं यहाँ आ गई। तबीयत ज्यादा खराब है तो मैं दवाई ले आऊं आपके लिए? नहीं। और इस तरह वो वहीं लेट गई। लगता है उनकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब थी। अरे इतने दिनों से बात नहीं हो पाई थी, मुझे फिक्र हो रही थी। ओ अच्छा, पर मैं अपने दोस्तों के साथ हॉट स्प्रिंग गई थी। ओ तो इसीलिए। अच्छा ये तुम्हारे लिए। हाँ नहीं ये मेरे नहीं है मित्सी। हैरी तुम बहुत बुरे हो, ये लो। अरे मित्सी सुनो तो। अरे ये बाहर शोर कैसा है? कुछ नहीं है। सभी लोग कितने खुश नजर आ रहे हैं। तुम बहुत ही बदली हुई नजर आ रही हो मित्सी, क्या कोई खास बात है? हाँ मैं उसे एक पार्टी में मिली थी। क्या वो बहुत अच्छा है, तुम उसे पसंद करने लगी हो? दरअसल बात ये है कि वो मेरी हर बात मानता है। कोई बात नहीं मित्सी, पर वो हैरी से तो बेहतर है ना? हाँ बिल्कुल, जानती हो उसमें और हैरी में बहुत फर्क है। अच्छा शुक्रिया, फिर मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा एक्शन कमीन सबसे बहादुर है, उसके जैसा कोई नहीं। आजकल बच्चों को ये प्रोग्राम कितना पसंद है। अरे मित्सी ये तो मेरा नाम है। अरे हैरी है? क्या हुआ मित्सी? हम साथ में हैं और मुझे इस बात की खुशी है। अचानक ये सब क्यों कह रही हो मित्सी? दरअसल मैं ये कहना चाहती थी कि मैं बहुत खुश हूँ। ये तुम क्या कह रही हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मॉम डैड आप लोग बहुत ही अच्छे हैं। अरे शिनचन चलो अब सो जाओ, मैं स्कूल जाऊंगा और वहाँ पर खेलूंगा। माफ करना हैरी। हैरी ऐसा इंसान बिल्कुल नहीं है, मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुमने दरवाजा खुला ही छोड़ा है, तुम कितने लापरवाह हो हैरी। मैं आगे से ध्यान रखूंगा। अरे मैंने क्वांटम रोबोट कहाँ पर रख दिया था? अरे ये क्या है? मैंने इन्हें कहीं पहले देखा है। अरे ये तो मॉम डैड की पुरानी फोटो है। ये फोटो तुम्हारे होने से पहले की है, इसीलिए तुम इसमें दिखाई नहीं दे रहे हो। बेटा मैं और तुम्हारी मॉम गए थे वहाँ पर। कोई नहीं मानता कि उनके साथ ऐसा भी हुआ था। कहना पड़ेगा आप लोगों की फोटो तो बहुत ही अच्छी आई है। हाँ अब मेरे चेहरे पर बहुत झुर्रियाँ आ गई हैं। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। अरे छोड़ दो इसे मिस्सी। अरे जब देखो तब शैतानी करता है ये मनमानी, फिर भी मम्मी पापा का है दुलारा। यही है राजा बेटा, हर पल करता ये दंगा, कर देगा उल्टी पुल्टी दुनिया सारी। करे वो ऐसी हर
शिंचन प्यारा, शिंचन शिंचन।